नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप डांसिंग गर्ल का चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या होगा दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो आप उठा लीजिए और हमारे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, इस तरह आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको थोड़ा सा डार्क पेंसिल ले लेते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही सावधानीपूर्वक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको ऊपर के साइड में यहां पर एक इस तरह सर्किल बनाना होगा। यहां पर ऐसे सर्किल बनाइएगा और इसको हम यहां पर ऐसे मिला देंगे। एक हाफ सर्किल बनाते हुए आप यहां पर ऐसे ले जाइएगा। फिर इसके बाद दोस्तों, एक छोटी सी लाइन आप हल्का सा यहां पर डिस्टेंस बनाते हुए एक लाइन आप ऐसे नीचे की तरफ करिएगा, एक लाइन आप हम यहां पर ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। इसी तरह आपको नीचे की तरफ भी ले जाना होगा, इसको यहां पर मिलाइएगा। फिर हम यहां से ऐसे ऊपर की तरफ इसको मिला देंगे दोस्तों। मिलाने के बाद अब आगे की तरफ एक छोटा सा आप ऐसे यहां पे सर्किल बना दीजिएगा, एक हल्का सा यहां पे भी आप ऐसे सर्किल बना देंगे। सर्किल बनाने के बाद जस्ट इसी के नीचे यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है आगे की तरफ, यहां पे करिएगा, एक आप यहां पे ऐसे कर दीजिए और इसको हमें ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहां पे एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए कितना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। जस्ट इसी के ऊपर एक आपको ओवल शेप ड्रॉ करना होगा। ओवल शेप ड्रॉ करने के बाद नीचे के साइड में एक लाइन यहां पर ड्रॉ करिएगा, एक लाइन हम ऐसे बढ़ा देंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे। यहां पे एक आप ट्रायंगल बना दीजिएगा। ट्रायंगल बनाने के बाद अब आपको इधर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ऐसे बढ़ाना होगा, एक लाइन छोटी सी यहां पर बढ़ाइएगा, फिर आप ऐसे मिला देंगे। एक सीधी लाइन यहां पर ले जाइएगा, फिर आप ऐसे अंदर की तरफ करते हुए एक हमारा यहां पर ट्रायंगल बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों, आपको इधर भी रिपीट करना होगा। एक यहां पर ऐसी लाइन ड्रॉ करिए, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हुए यहां पर आप ऐसे मिला दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ऐसे अंदर की तरफ यहां पे ले जाना होगा। फिर एक सीधी लाइन हम इधर ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे की तरफ एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिएगा और इसको अंदर की तरफ करते हुए यहां पे ऐसे हम मिला देंगे। इसी तरह आपको ऊपर की तरफ करना होगा दोस्तों, यहां से आप ऐसे इसको मिला दीजिएगा। अब आपको नीचे के साइड में एक और दिखेगा, अंदर की तरफ करते हुए लाइन ड्रॉ करना है, यहां पे ऐसे मिलाइएगा, एक लाइन हम ऐसे अंदर की तरफ, यहां पे भी एक छोटा सा आप ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद जस्ट इसी के आगे से आपको एक हाफ सर्किल बनाना होगा और एक हाफ सर्किल आप इधर ऐसे बना दीजिएगा। अब दोस्तों, हम यहां पे मार्कर का यूज करेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से ऊपर के साइड से आपको एक लाइन इसका यूज करते हुए यहां पे आगे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर यहां से हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए अंदर की तरफ ले जाइएगा। इसको हमें बाहर की तरफ करते हुए इसको ऐसे हम ऊपर की तरफ यहां पे बढ़ा देंगे दोस्तों, और यहां से ऐसे मिलाइएगा। फिर आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देना होगा, आप पेंसिल्स के ही हेल्प से ही बनाइएगा। और हाफ सर्किल बनाते हुए आप इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा, यहाँ से आप ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे, इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा इस गर्ल का हेयर बनके तैयार हो जाएगा। हेयर बनाने के बाद आपको यहाँ से हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इसको यहाँ पे ऐसे करिएगा, एक छोटा सा हाफ सर्किल आप इधर भी ऐसे बना दीजिएगा। अब आपको इधर से एक लाइन ड्रॉ करते हुए इस लाइन का यूज करते हुए यहाँ पे ऐसे करिएगा, ऊपर के साइड में एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाइएगा, फिर अंदर की तरफ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, ये हो जाएगा हमारा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, यहां से आप ऐसे अंदर की तरफ ले जाइएगा, फिर एक हाफ सर्किल बनाते हुए यहां पर लाकर छोड़ दीजिए और अंदर की तरफ करते हुए इसको ऐसे ले जाइएगा, फिर एक छोटी सी लाइन बाहर की तरफ करिएगा, फिर ऊपर की तरफ कर दीजिएगा और इसको हमें यहां से ऐसे मिलाना होगा। इसको सीधे लाइन आप यहां पर ऐसे ले जाकर यहां पर छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहां से आपको इस साइड से ऊपर के साइड में हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ ले जाइएगा और इसको हमें ऐसे ऊपर की तरफ करना होगा। फिर यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ करिए, हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे, एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिएगा, नीचे की तरफ करते हुए इस गर्ल का यहाँ पे ऊपर वाला हैंड बना दीजिएगा। हैंड बनाने के बाद अब आपको इधर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको हाफ सर्कल बनाते हुए ऐसे अंदर की तरफ ले जाना होगा। फिर यहाँ से आपको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिएगा और हल्का सा अंदर की तरफ हाफ सर्किल बना दीजिएगा और इसको हमें ऐसे बाहर की तरफ ले जाना होगा। इस लाइन का यूज करते हुए आप ऐसे बाहर की तरफ यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा। अब यहाँ से आप ऐसे अंदर बाहर करते हुए यहाँ पे मिला दीजिए। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, यहाँ से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए, एक छोटी सी लाइन आप ऐसे अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करिएगा और इस हाफ सर्किल का यूज करते हुए इसको आप ऐसे पूरा ब्लैक कर देंगे। और यहाँ से आपको अंदर की तरफ हाफ सर्किल बनाना होगा। यहाँ पे हमने बाहर की तरफ बनाया था, लेकिन आपको यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ बनाना होगा। एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हुए फिर आगे की तरफ लाइन बढ़ाइए, फिर नीचे की तरफ करिएगा, फिर यहाँ से आप ऐसे ऊपर की तरफ इस वाले लाइन के साथ जो हमने एक
वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था इसका यूज करते हुए आप यहाँ पे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद एक छोटी सी लाइन इधर ड्रॉ करिएगा और यहाँ से हम ऐसे नीचे की तरफ मिला देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस गर्ल को पेंसिल की हेल्प से या मार्कर की हेल्प से शेड देना शुरू करते हैं।